वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तर आज हम बात करने वाले डोराएमोन की मूवीज के बारे में जो कि 2021 और 2022 में आ सकती हैं। तो यार इसी पे बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है। तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्द से जल्द कर दो और वीडियो का लाइक करना मत भूलना। तो चौन जल्दी से इंट्रो लगा दे। सो यार जो नंबर 4 पे मूवी आती है उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। और ये जो मूवी है भाई इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग है 6.6। बात करें तो यार इसने बॉक्स ऑफिस में इनकम करी है 8.5 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि भाई इस मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। और यार ये जो मूवी है वो आई थी 2018 में यार, इसलिए इस मूवी के भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इंडिया में आने के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी की। और नेक्स्ट पर जो मूवी आती है नंबर 3 पर, उस मूवी का नाम है ग्रेट एडवेंचर इन द एंटार्कटिक काची कोची। तो समझ नहीं आती ना, बार बार मेरी बात काट देता और साथ ही साथ मूवी का भी नाम गलत पड़ रहा है। उसका नाम है ग्रेट एडवेंचर इन द एंटार्कटिक काची कोची। और यार गाइस इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग है 6.5। और बात करें यार इसने बॉक्स ऑफिस में इनकम करी है 6.12 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि इस मूवी के लिए भी भाई बहुत अच्छी बात है। और इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं इंडिया में आने के, क्योंकि भाई ये जो मूवी है वो आई थी 2017 में। यार गाइस जो नंबर 2 और नंबर 1 वाली मूवी है वो यार मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट मूवीज में से एक है। तो अब चलते हैं यार मूवी की ओर। मैं बताऊं कौन सी मूवी है, मुझे पता तेरी कौन सी दोनों फेवरेट मूवीज है, उनमें से एक है न्यू डायनासोर। चल तू मुझे इतना तो पहचानता कि तूने मूवी का नाम सही ले लिया। तो यार बात करें इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग है 7.1/10, जो कि भाई इस मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। बात करें यार इसकी एनिमेशन क्वालिटी के बारे में तो यार वो भी बहुत बढ़िया है। और यार इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में इनकम करी है 3.32 करोड़ यूएस डॉलर, जो कि भाई इस मूवी के लिए बहुत ही अमेजिंग बात है। तो अब चले थे नंबर 1 की। और नंबर 1 में तो आपने बहुत सारे लोगों ने पहचान ही लिया होगा कौन सी मूवी आ सकती है। तो गाइस इस मूवी का नाम है डोराएमोन द मूवी स्टैंड बाय मी 2। ये जो मूवी है बहुत अमेजिंग मूवी है। ये जो मूवी है 3 शॉर्ट मूवीज से ली गई है। एंड यार ये मूवी बहुत अमेजिंग मूवी है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी की बात करें तो यार ये बिल्कुल 3D मूवी है। और मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं यार, स्टैंड बाय मी ने क्या धमाल मचाया था इंडिया में। और जब ये मूवी भी इंडिया में आएगी तो यार ये भी बिल्कुल धमाल मचा देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी आईएमडीबी पर रेटिंग के बारे में। तो आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 5.8। बस इतनी सी? अरे चौम अभी तक इसे कम से कम 200-300 लोगों ने वोट करा, इसलिए अभी इसकी रेटिंग इतनी सी है। जैसे ही 3000 से ज्यादा लोग वोट कर देंगे इसकी रेटिंग अपने आप खुद ही खुद बढ़ जाएगी, मुझे इतना विश्वास है इस मूवी पर। सो यार गाइस अभी तक इसने इनकम करी है बॉक्स ऑफिस में 20.7 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि भाई बहुत अमेजिंग बात है। और यार मेरे हिसाब से ये जो मूवी है 2021 के एंड में या फिर 2022 के शुरुआत में ही आ जाएगी। तो बस यार फिलहाल की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक जो कर देना, चैनल पे न्यू प्लीज भाई सब्सक्राइब जो कर देना। तो मिलूंगा आपको अगले वीडियो के साथ। तो चौम सबको बाय बाय कर दे। भाइयों अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम दोनों को फॉलो नहीं करते तो चाके जल्दी से कर दो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, सी यू।